हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास में सीसेट के बारे में या फिर रीजनिंग की क्लास हम लोग देखेंगे। इस रीजनिंग की क्लास में हम लोग बेसिकली आज देखेंगे सीरीज के बारे में, क्या कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा जो लोग भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं, दे कैन यूज दीज कोर्सेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन और डिस्कशन में आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज के बारे में। तो ये देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा था हमारा नंबर सीरीज, फिर उसके बाद अल्फाबेट सीरीज, फिर हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी देख रखा था। This was covered in video number 1. This has been covered into video number 2. जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो पुरानी सीरीज देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा ये मिक्स सीरीज के फॉर्मेट में। अब मिक्स सीरीज क्या होती है? A series which is created by the combination of two or more than two series. जब भी दो या दो से ज्यादा मिक्स किया जाता है तो उसको हम लोग मिक्स सीरीज बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या चीज है और वहां से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहां पर आपको जेड एल एक्स जे वी एच टी एफ। तो मैंने क्या बोला था आप लोग को, जब भी आपको इस तरीके का अल्फाबेट दिखे आप फटाफट एबीसीडी लिखना शुरू कर दीजिए और उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो फटाफट लिखिए, मैं भी लिखता हूं। तो देखिए आप लोगों ने इस तरीके से नंबर और उसके प्लेस वैल्यू लिख ली होगी। अब हम लोग जरा आते हैं अपने इस सिस्टम पे क्या चीज है। सबसे पहले जेड की वैल्यू लिख लीजिए, जेड क्या है, जेड हमारा 26। फिर आगे देखिए एल की वैल्यू लिखनी है, एल हमारी है 12, हम लोगों ने 12 लिख लिया। 12 के बाद हमारे क्या आ जाती है, x, x देखेंगे तो हमारा क्या है 24, फिर हमारा 24 आ गया। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा j, v, h, j की वैल्यू देखिए, वेयर इज j, j हमारा 10 हो गया, 10। फिर उसके बाद है हमारा j के बाद v है, v का मतलब आप चेक करेंगे वेयर इज v आवर, हमारी v 22 नंबर पे आ जाती है। फिर इसी तरीके से h, h हमारी आ जा रही है कितने नंबर पे, h हमारी आ जा रही है 8 नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नीचे लिखता हूं मैं, H के बाद आपका T आ जा रहा है, T मतलब 20 आ जा रही है, 20 के बाद आप चेक करेंगे फिर क्या है, F है, F में आप आ जाइए, F हो जा रही है 6 आपकी, 6 के बाद क्या आ रहा है, दो मान आपको बताना है क्या है वैल्यू। अब देखिए यहां पर देखेंगे कि 26 के बाद फिर 12 हो जा रहा है, 24 के बाद फिर 10 हो जा रहा है, फिर 22 के बाद फिर 8 हो जा रहा है, यानी बेसिकली दो टाइप की सीरीज चल रही है यहां पर, 26 से 24, 24 से 22, 22 से फिर 20, यानी कि एक चीज छोड़ करके। तो यहां पर क्या हो रहा है, 26 में से 2 घटाइए 24, 24 में से 2 घटाइए 22, 22 में से 2 घटाइए 20, यानी कि एक वैल्यू छोड़ेंगे और यहां पर माइनस 2 करेंगे तो यहां पर आ जाना चाहिए 18, और ये हमें जो भी होगा अभी हम लोग देखेंगे। अब देखिए 12 में 10 अगेन माइनस 2, 10 माइनस 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटेगा 6 आ जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, तो यानी यहां पर वैल्यू होगी 4, यानी 18 की प्लेस वैल्यू के हिसाब से कौन है बंदा, तो हमारा बंदा है R, तो यहां पे R लिखा जाएगा, और 4 के हिसाब से कौन है, तो D, यानी R हो जाएगा फिर D हो जाएगी। तो आप चेक कर लीजिए कौन है, दिस वन इज R और दिस वन इज D, ऑप्शन हो गया हमारा D, क्लियर। तो बस देखिए यहां पर भी अगेन वही सारे के सारे मुद्दे आपको यूज करने हैं जो हम लोगों ने लास्ट में यूज किए हुए हैं, लास्ट क्लासेस में यूज किए हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टू क्लासेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं से ये सारा का सारा आगे भी सॉल्व हो रहा होगा। आगे इसी तरीके के अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहां पर आप सॉल्व करिए फटाफट, जरा देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए मिक्स नंबर्स हैं, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, 7 फिर 5 फिर 26 फिर 17 63 37 124 65। अब देखिए अब ये क्या सिस्टम है भला यहां पर, तो देखिए यहां से आप बहुत इजिली आप एक चीज देख सकते हैं कि 7 26 63 124 ये अलग टाइप का चल रहा है, तो इसको अलग टाइप का जरा लिख लेते हैं, 7 हो गया, 26 हो गया, 63 हो गया, 124 हो गया, कुछ अलग टाइप का चल रहा है। दूसरी जो चल रही है वो चल रही है 5 17 37 और 65। जब भी देखिए दो क्वेश्चन मार्क लगे तो आप वहां पर समझ जाइए कि दो सीरीज चल रही है पक्का, खोजिए कहां पर है वो दो सीरीज। ठीक है, अब जरा देखिए इस तरीके से देखेंगे, अब जब यहां पर आप देखेंगे सीरीज में तो आपको देखने को मिलेगा दिस इज समथिंग लुक्स लाइक दिस, 28 माइनस 1, ये आपको लगेगा 27 में से एक है घटा हुआ, 64 में से एक घटा हुआ लगेगा और 125 में से एक घटा हुआ मिलेगा, यानी कि हो क्या रहा है, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 दून 4 दून 8, मतलब 2 का क्यूब माइनस 1,
3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, यानी अगला नंबर क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 1, यानी 6 × 36 का 216, 216 में से एक घटेगा तो बन जाएगा 215, यानी आंसर रहेगा 215 या 215। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन, जैसे ही आप देखिए वैसे एक बार आंसर पर निगाहें जरूर घुमा लीजिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किधर के साइड घूमना है। क्लियर हो गया। बाकी देखिए आपको कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 2 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये स्क्वायर्स वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको नंबर देख करके आपको कुछ याद आ जाए कि ये क्या चीज हो सकती है। सिमिलरली 2 से 10 तक का क्यूब भी याद रखिए कि आखिर में क्या हो सकता है। क्लियर। अब देखिए ये चीज ऊपर वाली तो समझ में आ गई, अब देखिए ए और बी ऑप्शन तो मेरा कट गया, आंसर या तो सी होगा या हमारा आंसर डी होगा। अब हम जरा चेक करते हैं कि अब सी और डी में से कौन होगा। अब यहां पर देखिए 5 है, 5 है, 17 है, 37 है, 65 है, देख के आपको लगेगा 4 प्लस 1, 16 प्लस 1, 36 प्लस 1 और यहां पर 64 प्लस 1। तो अब क्या हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया, 2 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर ये क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 4 6 8 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 एंड दिस इज 101। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सिंपल, बस आपको करना क्या है, देखना है और उस देखने मात्र से आपको नंबर की क्वालिटी पता चल जानी चाहिए कि ये नंबर की क्वालिटी कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या 2 का स्क्वायर या फिर मतलब मैं कहूंगा कि 1 2 10 का स्क्वायर नंबर याद रखिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर उसके बाद 25 हो गया, फिर 36 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए। सिमिलरली 1 टू 10 का क्यूब भी याद रखिए, जैसे 2 का क्यूब हो गया 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब। जैसे ही आप नंबर देखेंगे वैसे ही आपको नंबर से एक सिमिलैरिटी आ जाएगी, और नंबर से अगर ना पकड़ पाइए तो आप ऑप्शन जरूर एक बार देख लीजिए, ऑप्शन से 100% आप पकड़ लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे आ जा रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमारा लेटर सीरीज होती है। अब ये लेटर सीरीज क्या होती है, दिस वन इज मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन, बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन होता है इस तरीके की चीजें। फटाफट देखते हैं क्या चीजें यहां पर। अ सीरीज ऑफ लेटर विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न इज गिवन विद 4-5 टाइम्स ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ मिसिंग लेटर इज करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं, आपको तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर एक ए बी ए बी ए बी इस तरह से करके लिखा रहेगा और बीच में मिसिंग एलिमेंट रहेगा, आपको यहां पर एक पैटर्न बनाना होता है। तो इसको करने का एक ही मेथड ही है, और वो मेथड क्या है, फटाफट जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, बी ए ए बी फिर मिसिंग है, फिर ए बी ए मिसिंग है, बी बी ए मिसिंग मिसिंग। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 मिसिंग नंबर है और 4 हमारे ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं। अब आपको करना क्या होगा, यहां पर एक तो ऑप्शन होता है कि आप पकड़िए कितने के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक बंडल बनती है, जैसे मान लीजिए बी ए ए बी, दिस वन इज बंडल, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बी ए ए बी बनना चाहिए, तो देखिए नहीं बन रहा है, यानी बंडल कुछ अलग है। बंडल पकड़ने के लिए किया क्या जाता है, अगेन ऑप्शन को पुट करिए और चेक करिए कि हमारा कौन वाला बंडल है। क्लियर, तो अब देखिए मैं फटाफट ऑप्शन पुट करता हूं और आप भी समझ जाएंगे क्या चीज है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज मोस्ट इरिटेशन, बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखना होता है ऑप्शन को पुट कर करके। अच्छा, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है दिमाग को शांत रखना, पेशेंस के साथ करिएगा, हमेशा सॉल्व होंगे इस तरह के क्वेश्चन, कभी हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे देखिए मैं पहले ए ऑप्शन ले रहा हूं, दिस वन इज बी अगेन ए देन ए, अब चेक करिए क्या कुछ बन रहा है बंडल। अब देखिए बी के बाद 2 ए है, फिर बी है, अब देखिए 1 बी है, फिर 2 ए है, फिर 2 बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर देखिए 2 बी आ गया बेसिकली। ठीक है, बी के बाद 2 बी आ गया, फिर 2 ए आ गया, इस तरीके की चीज हमारे पास आ जा रही है। यहां पर देखिए कुछ खास आपको यहां पर मिला नहीं, कोई बंडल नहीं मिला। अब यहां पर देखिए क्या आपको बंडल मिल रहा है क्या, देखिए बी है, फिर 2 ए है, फिर 2 बी है, फिर ए है, फिर देखिए बी है, अब यहां पर देखिए बी है,
फिर दो बी मिल गया, फिर दो ए मिल गया, तो ये कोई बंडल नहीं बना रहा है, यहां पर काम गड़बड़ हो जा रहा है, कहीं पर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। हम जरा अगले ऑप्शन पे आते हैं और यहां पर मैं केवल और केवल आपको यहां वाला एलिमेंट मिटा रहा हूं ताकि आपको चीजें दिखें। अब देखिए यहां पर जब आप आएंगे, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर डी पे, सी पे। तो यहां पर बन गया ए, फिर बी, फिर यहां पर क्या है ए बी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, ये यहां क्यों लिखा गया, यहां पर बी है। अब देखिए हुआ क्या, पहले यहां पर हमारा बी है, फिर दो ए बन गया, फिर एक बी बना, फिर दो ए बन गया, फिर बी ए टू बी, बी टू ए बी। अब देखिए क्या कोई बंडल बना, बी के बाद दो ए, बी के बाद दो ए, बी के बाद दो ए आना चाहिए था तब यह काम हो जाता, लेकिन यह काम गड़बड़ हो गया, ये अब नहीं पॉसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। अब हम लोग जरा चेक करते हैं बी, बी का मतलब क्या है, अगेन मैं आपको यहां पर इरेज करके थोड़ा सा दिखा देता हूं। अब यहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी पुट करते हैं, दिस वन ए ए ए ई। अब यहां पर क्या हुआ है, बी है, फिर दो ए है, फिर बी है, फिर दो ए है, फिर बी है, फिर दो ए है, फिर दो बी है, फिर दो ए है, फिर ए है। अब यहां पर देखिए बंडल तो काफी अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था, लेकिन यहां गड़बड़ कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग का बचा लास्ट ऑप्शन केवल और केवल डी, होना तो यही चाहिए, लेकिन एक बार पुट भी करके देख लेते हैं, हो सकता है कि भाई हमारा कंसेप्ट गड़बड़ चल रहा हो, तो एक बार जरा यहां पर चेक कर लीजिए क्या चीज है, इसको इरेज करिए देन पुट करिए क्या चीज है। यहां पर देखिए बी है, फिर यहां पर ए है, फिर यहां पर बी है, फिर यहां पर ए है। अब देखिए क्या हुआ है, यहां पर बी हो गया, अब मैं यहां पर पेन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, बी है, फिर दो ए है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा दो बी है, फिर ए है, फिर यहां पर बी है, फिर दो ए है, फिर दो बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है। देखिए क्या कोई बंडल बन रहा है क्या, बी दो ए दो बी ए, चलिए बी दो ए दो बी ए काम बन गया, ये देखिए बी दो ए ये बन गया, फिर सिमिलरली यहां रिपीटिशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, बी टू ए टू बी ए, बी टू ए टू बी ए, नाउ अगेन वही चीज आगे बढ़ते जा रही है। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बैठ गया। तो आपको देखिए यहां पर बेसिकली आपको पैटर्न ही खोजना है, और पैटर्न खोजने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ऑप्शन के थ्रू आप जाइए, ऑप्शन देखिए क्या चीज है, और उसी ऑप्शन से आप चेक करिए कि कौन सी हमारी बंडल बन रही है, कौन सी हमारी बेसिकली एक पैटर्न बना के थे आपको दे रही है। तो ये थी हमारी इस तरीके की डिस्कशन। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आप जरा सॉल्व करिए, क्या करेंगे आप, देखिए सेम वही काम आपको करना है, दो हमारे मिसिंग एलिमेंट है, वन ऑप्शन मिसिंग, सेकेंड मिसिंग, देन ए, फिर बी मिसिंग, ए मिसिंग, ए मिसिंग, बी ए, क्लियर। अब फटाफट जरा चेक करिए ऑप्शन, यहां पर जरा बनाना शुरू करिए, क्या करेंगे आप, अगेन ऑप्शन नंबर ए पुट करते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी फिर बी ए ए, यहां पर ए, यहां पर ए, फिर उसके बाद से बी। अब देखिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, यहां पर चेक करिए, यहां पर बना है अगेन टू बी आ गया, फिर उसके बाद से टू ए, फिर बी, फिर टू ए टू ए टू बी ए, तो टू बी टू टू ए, फिर बी, हो सकता है ये पैटर्न लेकर के चल रहा हो, तो टू ए आ जा रहा है, काम गड़बड़ हो गया, यहां पर बल्कि टू बी बनना चाहिए था, नहीं बना, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, ये चीज कंफर्म हो गया। आगे देख लेते हैं, इसको फटाफट इरेज करते हैं, यहां पर ये इरेज करिए, ये इरेज करिए, दिस वन इरेज करिए। अगला जरा पुट करते हैं ऑप्शन नंबर, एक काम करते हैं बी पुट करते हैं, ये बन गया ए, फिर बन गया बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, ए बी ए एक बंडल, ए बी ए दूसरा बंडल, ए बी ए तीसरा बंडल, तो इस तरीके से ए बी ए, अब देखिए पैटर्न बन गया, बस काम खत्म, यहीं पर हमने स्टॉप कर दिया, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो बस आपको बंडलिंग करनी है, आपको देखना है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो ये थी हमारी इस तरीके की क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और उसके बाद से अपने क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल की जो लिंक है वो आपको शुरू में ही बताई गई है। लास्ट टाइप क्वेश्चन आता है करेस्पॉन्डेंस सीरीज, एंड दिस वन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आता है क्योंकि यहां पर आपको स्पाई वाला काम करने को मिलता है। तो स्पाई वाले काम, जरा इंटेलिजेंस वाला काम करना शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, अ सीरीज कंसिस्ट ऑफ थ्री सीक्वेंस विथ थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स, कैपिटल हो सकता है, नंबर हो सकता है, या स्मॉल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्या चीज है, फटाफट क्वेश्चन के थ्रू देखना शुरू करते हैं हम लोग।
और क्वेश्चन में यह हमारी पहली क्वेश्चन हो जा रही होती है। अब यहां पर देखिए क्या है इंटेलिजेंस का काम, इंटेलिजेंस का काम यह है कि ऊपर देखिए आपको एक अल्फाबेट दिया हुआ है सी बी मिसिंग मिसिंग डी मिसिंग बी ए बी सी सी बी कुछ कुछ दिया है। अब उस नंबर उस इस जो भी अल्फाबेट है उसका एक कोड दिया हुआ है, इस कोड को आपको पहचानना है, फिर आपको इसका स्मॉल कोड पहचानना है कि कोड किससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो डी रिलेटेड है, डी रिलेटेड है किसके साथ, फोर के साथ। तो हमारे पास बेसिकली चार है ए बी सी एंड डी, तो ये हमारे पास चार हो गए। डी का नंबर फोर है हमें यहां से पता चल गया, सी का अल्फाबेट ए है तो सी का अल्फाबेट ए है हमें पता चल गया, इसका हमें यहां से कुछ नहीं पता चल रहा है, यहां से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, यहां से भी कुछ नहीं पता चल रहा है। ए का बी है ये भी पता चल गया, चलिए ठीक है पता लग गया। बी का हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, बाकी का हमें कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। अब यहां से जब आप चेक करेंगे तो ए वाला एसोसिएटेड है वन नंबर के साथ, तो ए वाला नंबर है एसोसिएटेड वन नंबर के साथ में। बी वाला देखिए एसोसिएटेड टू नंबर के साथ में, बी वाला एसोसिएटेड नंबर टू के साथ में, सी वाला एसोसिएटेड थ्री के साथ, तो सी वाले का मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है, यहां पर हवा नहीं लग रही है। लेकिन एक चीज पता चल गई कि वन टू थ्री 100% बी का नंबर तीन होगा। अब तीन नंबर किसके साथ है, सी के साथ है, और सी के साथ में यहां पर पता चल गया कि ये केवल और केवल डी ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया क्या चीज है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। यहां पर देखिए हम लोगों ने किया क्या है, यहां पर हम लोगों ने इसको इरेज कर देते हैं, यहां पर हम लोगों ने किया ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक पहले एलिमेंट लिख दिया ए बी सी डी जो हमारा ये है। अब हम लोग खोजबीन पे निकल गए हैं, हम लोग खोजबीन के दौरान में चेक किए हैं कि सी के साथ में ए है तो हम लोगों ने ए लिख दिया, बी के साथ पता नहीं क्या चल रहा है, डी के साथ देखिए फोर है हमने डी के साथ फोर लिख दिया। अब इसके बाद से देखिए कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन एक चीज पता चल गया जिसका भी सी होगा उसका तीन नंबर होगा। अब सी के साथ में हम लोगों ने तीन नंबर लिख दिया, सिमिलरली बी के साथ में दो होगा, ए के साथ में वन होगा, तो ए के साथ में हमने लिख दिया वन होगा, बी के साथ में टू होगा। तो इस तरीके से हमने मिसिंग एलिमेंट को यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हमें पूछा क्या है बी सी सी बी, बी सी सी बी और इसके साथ अल्फा नंबर कौन से होंगे, बी का नंबर कितना है तीन, सी का नंबर कितना है, सी का नंबर है एक, फिर एक, फिर उसके बाद से तीन, तो 3113 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंग, और करना कुछ नहीं है, फटाफट आंसर निकल के आ रहा है। सिमिलरली इस तरह से आप ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करिए फटाफट, पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए, फिर उसके बाद से सोल्यूशन देखिए क्या बता रहा हूं मैं। अब देखिए आप लोगों ने किया भी होगा, देखते हैं किसका किसका सही है। फटाफट देखिए यहां पर अगेन मैं वही काम करूंगा, ए बी सी डी लिख दिया हमने, ए के साथ में कौन है डी है लिख दिया डी हमने, बी के साथ में पता नहीं चल रहा है, ए के साथ में दो नंबर है लिख दिया हमने, सी के साथ बी है लिख दिया हमने, सी के साथ बी हो गया, ठीक है, ए के साथ में वन नंबर है पता नहीं कौन सा है, इसको अभी मिटाते हैं नहीं तो मेरा ये छूट जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए डी के साथ में सी है तो डी के साथ लिख देते हैं सी, यानी ए बी सी डी, बी हो गया 100% ए के साथ में। अब ए का नंबर कौन है, ए का नंबर है वन, लिख दिया हमने ए का नंबर वन, सी के साथ में तीन नंबर है, सी के साथ में तीन नंबर है, यानी बच क्या गया टू। अब देखिए बी के साथ फोर है क्या, ओके यहां पर बी के साथ फोर होगा, बी के साथ फोर पॉसिबल है, वो टू गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नंबर देख लिया। अब हमें पूछा क्या है बी सी बी सी डी सी और नंबर पूछा गया है, तो बी का नंबर है वन, सी का नंबर है फोर, डी का नंबर है थ्री, सी का नंबर है फोर, 1434 आ गया आंसर, 1434 आंसर हो गया आंसर बी, क्लियर। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सीरीज, सीरीज में देखिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यही आपको घूम फिर करके करने होते हैं। तो ये थी हमारी सीरीज, तो अगर आपको कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डाउट होता है तो क्वेश्चन रेज करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रीजनिंग के टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।